तो हे गाइस, फाइनली मैंने गोल्ड का चेन ले ली। सो आई एम सो हैप्पी। एंड मेकिंग चार्ज कितना लिया और कितना प्राइस से सारा कुछ, सब कुछ जो है मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में बताऊंगी। सो आप लोग ब्लॉग पे बने रहना कंटिन्यू। हेलो गाइस, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, फिलहाल मैं अपने रूम पे हूँ और आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और फिलहाल मैं ऊपर छत पे जाने वाली हूँ कपड़ा सुखाने के लिए। चलो आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ और पूरा व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलो गाइस। एक्चुअली गाइस, क्या है ना, मैं घर पे आ चुकी हूँ। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, ये दिसंबर मंथ का है। घर आने से पहले मैंने वीडियो किया था क्योंकि मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। और गाइस, होम टूर समझो या आप लोग वीडियो पे बने रहना। गाइस, मैंने नहा धो के छत पे आया हूँ। ये रही गली। तो गाइस, मुझे फिलहाल लग रहे बहुत तेज भूख और नाश्ता कुछ भी नहीं किया और अभी टाइम हो रहा है। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अभी टाइम हो रहे 12 बज रहे। देखो अभी 12 बज रहे और मुझे बहुत भूख लग रही है। और मैं नाश्ता अभी करूँगी, पास में ही दुकान है, वहाँ से कुछ लाती हूँ खाने के लिए। एंड कल का थोड़ा दूध है उसको गर्म कर देती हूँ। तो चलो दुकान चलते हैं पहले। दुकान भी पास में है गाइस। दुकान से मैंने केक और अंडा लिया। पहले दूध गरम कर लेती हूँ। और दूध भी बहुत थोड़ा सा ही है। और उसके बाद मैं अभी चावल एंड मेथी की सब्जी बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि वेस्ट बंगाल में मेथी की सब्जी मिलते ही नहीं है गाइस। उसके बाद आप लोगों को मैं अपनी मैंने गोल्ड चेन ले ली, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कितना प्राइस लिया, क्या लिया, सारा सब कुछ जो है मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में बताऊंगी और दिखाऊंगी मेरा गोल्ड का चेन कैसा है। और कमेंट कर देना कि, और हाँ, मैं गई थी पुणे एंड पुणे से बहुत ही खूबसूरत सा कपड़े लाया मैंने बच्चों लोगों के लिए। सो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सो आप लोग ब्लॉग पे बने रहना। क्या है ना दोस्तों, आज संडे है और संडे को जल्दी उठती नहीं हूँ। वीक में एक ही दिन छुट्टी रहते हैं तो इसलिए। गाइस, इधर मेरा चावल पक रहे और तब तक मैं ये कर लेती हूँ। हमारे इधर तो बहुत तरह की हरी पत्तियाँ सब्जियाँ मिलते हैं, ये मेथी सब्जी छोड़ के। मेथी की सब्जी तो फर्स्ट टाइम इधर आके खा रही हूँ। मैंने कभी खाया भी नहीं था, ना ही कभी लाइफ में देखा था। गाइस, मैं जाने वाली हूँ घर, इसलिए मैं सारा सब कुछ जो है मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं जाने वाली हूँ घर। गाइस, अभी मैं मेथी की सब्जी बनाने वाली हूँ और चावल भी बना ली। और
और आप लोग ऐसा नहीं बोलना कि मुझे कुक करना नहीं आती। मुझे देख के सब लोग कहते हैं कि तुमको कुक करना भी नहीं आती है, आती होगी, पर मुझे आती है यार कुक करना। तो गाइस मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं गोल्ड का चेन ले लूं, तो फाइनली मैंने ले लिया और आज मैं आप लोगों से पूरा डिटेल्स बताऊंगी कितना कैरेट का है एंड मेकिंग चार्ज कितना लिया, जीएसटी कितना लिया, सब कुछ मैं बताऊंगी। गाइस चलो फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। ओवर एक्टिंग की दुकान, तो ओवर एक्टिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना। हाँ पुणे गई थी तो वहाँ से बच्चे लोगों के लिए भी कपड़े लाए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो गाइस मैं अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरा गला थोड़ा खराब है सो इग्नोर करना। तो चलो तो गाइस मेरा हाथ में बिल पेपर है और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। गाइस मैंने जो गोल्ड का चेन परचेस किया ना, सो 22 कैरेट का है एंड उसमें से पर ग्राम में मुझे देना पड़ा 5799 रुपीस एंड मेरा मेकिंग चार्ज लिया 2950 रुपीस और जीएसटी लिया 398 और HGST लिया 398 और टोटल मिला के हुआ 227,348। उसमें से 348 मुझे मतलब डिस्काउंट मिला और मुझे देना पड़ा 27,000। सो मैं चलो आप लोगों को दिखाती हूँ चेन कैसा है ना। ये साइड में रख के अभी मैं आप लोगों को फाइनली गोल्ड का चेन दिखाने वाली हूँ। सो आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ गाइस आप लोगों को बताया ही नहीं कि कितना कितना ग्राम्स का चेन है। आप लोगों को बताती हूँ कितना ग्राम्स का चेन है, 4.070 ग्राम्स है। मैं चलो गोल्ड दिखाती हूँ। रुको पास में जूम करके दिखाती हूँ। तो गाइस ये रही गोल्ड का चेन, कैसा है आप लोग कमेंट करके बताना। तो गाइस मैं तो बहुत खुश हूँ और आप लोग बताना कैसा लगा मेरा गोल्ड का चेन। मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। सो मैं गई थी पुणे और मुझे एक कपड़ा काफ़ी पसंद आया तो मैंने ले लिया, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो कपड़ा लिया मैंने, बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सारा लेयर है और कपड़ों का जो मटेरियल है ना गाइस बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। और हाँ गाइस इसका प्राइस लिया, हाँ दो कपड़ा लिया ना तो दो मिला के 1500 और दूसरा कपड़ा जो है वो नेट का है। तो गाइस ये आप लोग बताना दो कपड़ा में से आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके तो गाइस आई होप आप सबको आज की ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो।